नमस्कार, मैं हूँ राशि। कल है रक्षाबंधन, तो भाई बहन के इस मीठे से बंधन के लिए क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो हम बनाएंगे एकदम बेसिक तरीके से। तो चलिए बनाते हैं ये गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें इसका जो मेजरमेंट है वो एकदम परफेक्ट लेना है। इसके लिए हम लेंगे ये एक कटोरी मावा। ये घर का बना हुआ मावा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जल्दी इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। मावा का हाफ लेंगे हम पनीर, और पनीर का हाफ लेंगे मैदा। बस इन्हीं तीन चीज़ों से हम बनाएंगे हलवाई जैसे परफेक्ट गुलाब जामुन। अब सबसे पहले हम गुलाब जामुन की चाशनी बना लेते हैं। पतीले में डालेंगे 2 कप चीनी और ये 1.5 कप पानी। इन्हें हम पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी देखिए कितने बढ़िया तरीके से घुल चुकी है। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देते हैं। इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई छोटी इलायची। यहाँ पर आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में डालेंगे कुछ केसर के धागे। चाशनी को हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। अभी यहाँ पे हमें जो चाशनी है वो एक तार वाली या 2 तार वाली नहीं करनी है, बस हमें इतनी पकानी है कि जो चाशनी है वो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाए। चाशनी तैयार है, इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। एक परात में डालेंगे मावा और पनीर। इन्हें एक बार मिला लेते हैं। अब यहाँ पर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो है इसे मसलना। हथेली की हेल्प से इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह 8 से 10 मिनट में हम इन्हें अच्छे से रब करेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अपने भाइयों के लिए हम इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं, जिसमें ये मैदा, आधा चम्मच डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा डालते हैं गुलाब जल। इन सबको हम फिर से मसलेंगे। इन्हें हम इतना मसलेंगे जिससे कि सॉफ्ट चिकना आटा तैयार ना हो जाए। आटा तैयार है। जितना आपका आटा सॉफ्ट होगा उतने ही सॉफ्ट आपके गुलाब जामुन तैयार होंगे। अब थोड़ा थोड़ा आटा लेकर हम इनके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ध्यान रहे बॉल्स में क्रैक नहीं आने चाहिए, अगर बॉल्स में क्रैक आए तो वो तलते टाइम फट जाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है, एक भी क्रैक नहीं है। तो इसी तरह हम बाकी के बॉल्स भी तैयार कर लेते हैं। हमारे सारे बॉल्स बन गए, तो अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर जो तेल का टेम्परेचर है एकदम लो होना चाहिए। गुलाब जामुन को हमें एकदम धीमी आंच पे पकाना है। अगर तेल का टेम्परेचर हाई हुआ तो जो गुलाब जामुन है बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चा ही रहेगा। तो धीमी आंच पर गुलाब जामुन है वो अंदर तक पक जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप बताती हूँ। जब हम बॉल्स को कढ़ाई में डालेंगे तो हम कढ़ाई की साइड से बॉल्स को धीरे धीरे तेल में डालते जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे गुलाब जामुन है एकदम गोल बनेंगे। ये देखिए बॉल्स के साइड में ये छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और टिप देती हूँ। यहाँ पर हम बॉल्स की जगह तेल को घुमाएंगे। एक छोटा चम्मच ले लेते हैं, उससे हम तेल को लगातार हिलाते रहेंगे, जिससे गुलाब जामुन है वो चारों तरफ से इवनली कुक हो जाएंगे। इन्हें हम धीमी आँच पर ही पकाएंगे। इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक गुलाब जामुन के ऊपर ये बढ़िया सा ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और डायरेक्ट गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। अब यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है, चाशनी जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी। एकदम हमें इसको गुनगुनी चाशनी में ही डालना है। अब गुलाब जामुन को हम चाशनी में 2 से 3 घंटे रेस्ट होने देंगे, जिससे कि गुलाब जामुन है वो चाशनी को अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर ले। 3 घंटे बाद गुलाब जामुन देखिए कितने बढ़िया तरीके से तैयार हो गए हैं, परफेक्ट गोल, और ये साइज में भी डबल हो गए हैं। इन्हें सर्व कर लेते हैं। अब मैं आपको एक इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर तक पक गया है और चाशनी भी इसके अंदर तक भर गई है। एकदम सॉफ्ट, जूसी और मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन बने हैं। आप ही इस तरह ये गुलाब जामुन बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।